वाराणसी में शुक्रवार को मिली कोरोना जांच रिपोर्ट के अनुसार 13 कोविड संक्रमित मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। शुक्रवार को होम आइसोलेशन से 21 मरीजों को छुट्टी मिली है। वहीं कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 13,960 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 13,843 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 104 है। बड़ागांव थाना क्षेत्र के आशापुर महाविद्यालय का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कॉलेज के कर्मचारी और कुछ युवक आपस में हाथापाई कर रहे हैं और उसके बाद एक कर्मचारी रिवॉल्वर लेकर पहुंचता है और उन युवकों को धमकाना शुरू कर देता है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उक्त कर्मचारी रिवॉल्वर से उन्हें धमका रहा है। फिलहाल इस वीडियो के बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं है। पुलिस के अनुसार ऐसी कोई भी सूचना नहीं है। फिलहाल ये वीडियो जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि ये महाविद्यालय भाजपा विधायक का है। प्रधानमंत्री का सबके सर पर छत होने का संकल्प वाराणसी में जल्द ही साकार होने जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थी महज 2 लाख की कीमत में मिले 1 BHK फ्लैट में जल्द गृह प्रवेश कर पाएंगे। वाराणसी में जल्द ही कमजोर वर्ग के 858 लोगों को योगी सरकार की तत्परता से अपना घर मिलने वाला है। वीडीए की तरफ से इस योजना के तहत निजी विकासकर्ता द्वारा हरौआ में 608 और करकुआ में 250 फ्लैट का कार्य अंतिम दौर में है। जून में हरौआ में और जुलाई में करहुआ का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। फ्लैट में 1 बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन और बालकनी है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने वाराणसी के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में आदेश अंतर्गत धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता लागू किया है। उन्होंने बताया कि बकरीद, मुहर्रम, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस व जन्माष्टमी आदि पर्व परंपरागत रूप से मनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली, कर्मचारी चयन आयोग प्रयागराज, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित होना प्रस्तावित है। इसे देखते हुए धारा 144 लागू की गई है। प्रतिबंधों की अवहेलना करने पर धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश जनपद वाराणसी के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में 24 जून से प्रभावी होकर 20 अगस्त की रात्रि तक प्रभावी रहेगा। चोलापुर पुलिस ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर तमंचा लहराने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। उसके कब्जे से 0.32 बोर की पिस्टल भी बरामद हुई है। फिलहाल उसे संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया गया है। इस संबंध में चोलापुर थाना प्रभारी ने बताया कि वाराणसी ग्रामीण के सोशल मीडिया पर ट्विटर के माध्यम से सूचना मिली कि एक लड़का खुलेआम असलाह लेकर घूम रहा है और गांव में माहौल खराब कर रहा है। उपरोक्त सूचना की जाँच एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया था। युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने शादीशुदा युवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। युवती के अनुसार वो इस दौरान 6 बार गर्भवती भी हुई थी, पर उसका एबॉर्शन करा दिया गया। उसे जब पता चला कि युवक शादीशुदा है तो उसने दूरी बनानी शुरू कर दी, जिस पर उसने वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर बदनाम करने की धमकी दी। फिलहाल इस संबंध में आदमपुर थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर खालिसपुर निवासी प्रमोद कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरते भूजल स्तर में सुधार के लिए शासन के निर्देश पर गांव-गांव अमृत सरोवर का निर्माण कराया जा रहा है। जिले में ग्राम विकास पंचायती राज विभाग के साथ ही जिला पंचायत को भी जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश के सभी जिलों में जिला पंचायत को 5-5 तालाबों की खुदाई, सुंदरीकरण व पौधारोपण कराना है, लेकिन प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 7 तालाबों के संरक्षण के लक्ष्य रखा गया है। जिला पंचायत की ओर से तालाबों की खुदाई समेत अन्य कार्य शुरू करा दिए गए हैं। विभाग 15 अगस्त तक लक्ष्य को पूरा करने में जुटा है। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि जिले में 7 अमृत तालाब बनवाने का लक्ष्य मिला है। अलग अलग ब्लॉकों में तालाबों का चयन कर मिट्टी का काम ग्राम रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत के जरिए कराया जा रहा है। अन्य कार्य जिला पंचायत के 15वें वित्त आयोग व टाइड फंड से कराया जाएगा। द्वारा निर्धारित 15 अगस्त तक का इसके निर्धारित किया गया है और मैंने इसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति भी इसकी प्रदान कर ली है और इसकी निविदा आदि की कार्रवाई अगले हफ्ते में मुझे की जानी है। और जब ग्राम सभा द्वारा जो है मुझे मिट्टी का काम जो है हैंडओवर कर दिया जाएगा, तत्काल जो है मेरे द्वारा शेष काम जो है इसके अन्य करा दिया जाएंगे। आपने बताया था कि इस पे झंडा रोहण भी होगा 15 अगस्त। हाँ, ये 2 स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का उसमें दिशा निर्देश है इस प्राकलन में जो है कि दोनों में एक झंडा में तो परमानेंट फहराया जाएगा और एक झंडे में जो है राष्ट्रीय पर्वों के दिन जो है उसमें झंडारोहण जो है ग्रामवासियों की उपस्थिति में, किसी संभ्रांत व्यक्तियों की उपस्थिति में या वहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों की उपस्थिति में और सारे घाटों का निर्माण जो है हमारे उसका नामकरण जो है स्वतंत्रता सेनानी
या देश की आज़ादी में जो शहीद हुए हैं उनके नाम से किया जाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर शनिवार को वाराणसी आ रहे हैं। प्रोटोकॉल के अनुसार सीएम 25 जून को शाम में राजकीय विमान से पुलिस लाइन हेलीपैड पर उतरेंगे। इसके बाद सर्किट हाउस आएंगे। सीएम सर्किट हाउस में अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ विकास कार्यों व कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। इसके बाद खिड़किया घाट, रिंग रोड फेज 2 समेत अन्य परियोजनाओं का मौका मुआयना भी कर सकते हैं। बाद में सीएम श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन कर सर्किट हाउस वापस आ जाएंगे। रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन सुबह वाराणसी से प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से घरौनियों का डिजिटल भौतिक वितरण 25 जून शनिवार को 12 बजे लोक भवन सभागार लखनऊ में किया जाना है। कार्यक्रम में वाराणसी से 3 लाभार्थियों, तहसील सदर से रामलखन बसंतलाल पटेल व तहसील पिंडरा से राकेश का चयन किया गया है, जो मुख्यमंत्री द्वारा 25 जून शनिवार को आयोजित घरौनी वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित रहेंगे। जनपद स्तर पर चयनित लाभार्थियों को भौतिक रूप से घरौनी का वितरण कराया जाएगा। जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी रणविजय ने बताया कि जनपद की तहसीलों द्वारा अब तक कुल 40,155 ग्रामीण आवासीय अभिलेख को डिजिटल किया जा चुका है, जिसमें से 25,800 घरौनियों का वितरण पूर्व में किया जा चुका है। अभिलेखीकरण किया जा रहा है, उसी का घरौनी के रूप में उनको स्वामित्व का कागज मिलेगा, जिसका वितरण राज्य स्तर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा, जिसमें से हमारे जनपद से 3 व्यक्तियों का नाम हम लोग भेजे हैं, जिन्हें वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उनको प्रदान किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होंगी, जो आयुक्त सभागार में जो यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधि लोग हैं, वरिष्ठ अधिकारीगण हैं, वो उस लाइव स्ट्रीमिंग को देखेंगे। उसके बाद यहाँ भी 30 लोगों को जनपद स्तर पर वितरित किया जाएगा तथा शेष ग्राम स्तर और तहसील स्तर पर वितरित किया जाएगा, जो टोटल संख्या कुल मिला के 14,355 घरौनियाँ वितरित की जाएंगी, जिसमें तहसील सदर में 5,243, पिंडरा में 4,738 और राजा तालाब में 4,341 है, जो ग्राम स्तर लेवल पर चाहे स्कूल में फंक्शन करके ये वितरित किया जाएगा। पूर्व में प्रदेश में जुमे के दिन हुए बवाल के बाद पूरे प्रदेश में जुमे को हाई अलर्ट कर दिया गया है। इसी क्रम में शुक्रवार को वाराणसी में पुलिस और जिला प्रशासन ने पूरी सतर्कता बरती। मुस्लिम बाहुल इलाकों में गुरुवार से ही पीस कमेटी की मीटिंग और फुट पेट्रोलिंग की गई, जो आज तक चली। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में भी मस्जिदों पर सतर्कता बरती गई और जुम्मे की नमाज सकुशल संपन्न करा ली गई। शुक्रवार को सुबह से ही पुलिस प्रशासन ने सतर्कता बरती और इसकी कमान स्वयं पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश के हाथों में थी। सुबह दालमंडी, नई सड़क, औरंगाबाद, मदनपुरा, शिवाला, गौरीगंज, बजरडीहा, अर्दली बाजार, बेनियाबाग, दोसीपुरा, जैतपुरा, नक्कीघाट, आदमपुर, पीलीकोठी, सरैया आदि क्षेत्रों में सतर्कता बरती गई और पुलिस ने रूट मार्च भी किया। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।